एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एपिसोड 7 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन दरअसल होता क्या है, इनका रियल दुनिया में क्या यूज होता है, ये भी हम साथ में आपको बताएंगे। फंक्शन दरअसल दो प्रकार के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी तीन भागों में बांटा गया है, सिंपल फंक्शन, फंक्शन विद आर्गूमेंट्स, रिटर्न टाइप। सारा कुछ समझ में आएगा, ये जो जिम्मेदारी है समझने की ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ समझा दूंगा। फंक्शन दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक बार कोड लिखा, एक बार आपको रिजल्ट मिला, बात खत्म। दोबारा जरूरत पड़ी फिर कोड लिखा, फिर जरूरत, फिर आपने काम कर लिया, फिर दोबारा कोड लिखा, यानी कि बार बार जब जब आपको जरूरत चाहिए तब तब आपको कोड लिखना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, आप एक बार कोड लिख दो, एक बार कोड को डिफाइन कर दो, फिर ऑटोमेटिक जब जब आप उसको कॉल करोगे उस कोड को, वो कोड ऑटोमेटिक लिख जाएगा, वो ऑटोमेटिक जब पाओ तब आप उसको यूज कर सकते हो। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप एटीएम में ले सकते हो। एटीएम में क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें क्या होता है कि आप जब कोई भी बिटकॉइन डिपॉजिट करने जाओगे तो बिटकॉइन वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, बिटकॉइन को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, बिटकॉइन को वहाँ पे बैलेंस देख सकते हो। तरह तरह के कस्टमर आते हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ी ना होता है कि एक कस्टमर जाएगा तो पीछे से कोई उसमें कोड लिख देगा तब उसमें जाकर रन करेगा। बस आप जैसे बटन को दबाते हो वैसे ही कोड जो होता है वो रिकॉल हो जाता है और आप उसको यूज करने लगते हो। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन को हम डिफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। फंक्शन तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन तरह के क्या होते हैं, मतलब तीन मेनली बांटा गया है। तो सिंपल फंक्शन, फंक्शन विद आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप फंक्शन, ये हम अभी देखेंगे। तो चलिए कोडिंग करते हैं तब जाके कुछ मजा आएगा। तो हम आ चुके हैं अपने नोटपैड में, नोटपैड अपनी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड को हम लॉन्च करना भूल गए थे, तो सॉरी थोड़ा आपका टाइम बर्बाद होगा। तो लॉन्च कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी नोटपैड अभी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटपैड हमारी ओपन हो रही है, ओपन हो रही है। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम देखिए बनाएंगे कैसे फंक्शन। हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, डेफ कीवर्ड से हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए मैं शो माई चैनल कर देता हूँ, ठीक है ना, शो माई चैनल। ये जो है, इस ये जो मैंने शो माई चैनल लिखा है, इससे हम अपने फंक्शन को जब पाएंगे तब, मान लीजिए जब हम जब जब हम इसको शो माई चैनल नाम से हमने इसका नाम दे दिया है कि शो माई चैनल में जब जब कहूँ तब तब ये प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे वो इसको बताना पड़ेगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए अपने चैनल का नाम ही लिख देते हैं, वेलकम टू शरद कटिहार, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल का नाम ही यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बस देखिए, अब इसमें मैंने किया क्या, मैंने इसको एक डिफाइन किया, ये डिफ कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, इससे आपको फंक्शन को डिफाइन करोगे। सो माई चैनल, ये दोस्तों आप कैसे मान ले सकते हो कि ये मैंने इसको नाम दे दिया है, जब जब मुझे इसकी वेलकम टू शरद कटियार ये प्रिंट कराना रहेगा तब तब मैं सो माई चैनल पुकारूंगा और ये मेरा प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करा देते हैं। रन कराने के बाद अब चलिए एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि सो माई चैनल से कॉल करते हैं, देखिए प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो सो माई चैनल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और लिखने के पश्चात यहाँ पे जो है अब इसको देखिए रन करते हैं और देखिए इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सिंपल फंक्शन का, हमने एग्जांपल लिया जो मैंने आपसे कहा था कि ये सिंपल का है, ठीक है ना, सिंपल फंक्शन का। अब फंक्शन में एक आर्गुमेंट के साथ देख लेते हैं, तो उसको भी डिफाइन करके देख लेते हैं और कैसे वो बनता है वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए डिफाइन, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर दो वेरिएबल हम पास कर देते हैं, ठीक है ना। दो वेरिएबल पास करने के बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद प्रिंट पर क्लिक करते हैं, प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रिंट में अंतर्गत जो हमें लिखना है ब्रैकेट के अंतर्गत, वो हमें इसको बताना है कि ए और बी के साथ करना क्या है। तो ए माइनस बी कर दो, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्शन चूंकि कर रहे हैं तो अब देखिए हम कॉल किससे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ए कामा बी से कॉल करेंगे, जैसा कि पिछले फंक्शन में किया था। लेकिन इस बार जो हम है ए कामा बी नहीं रखेंगे, फिर फर्क क्या आएगा, ए कामा बी की जगह हम कुछ और रखेंगे, ए की जगह रखेंगे जिससे को जिससे भी घटाना है। तो 500 मान लीजिए रख देते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, बी में हम 200 रख देते हैं। अब इनका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। तो ये देखिए रन हो गया, 300 आ गया। अब अच्छा एक एग्जांपल हम डिफ़ॉल्ट लेकर देख लेते हैं, जिसमें पैरामीटर हम लेंगे लेकिन वो डिफ़ॉल्ट में सेट होंगे। डिफ़ॉल्ट में दरअसल आपने कई बार मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा होगा कि वॉलपेपर डिफ़ॉल्ट में लगा रहता है, तो वही इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि एक हम वैल्यू ऐसी लेंगे जो डिफ़ॉल्ट में लगा देंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ए कामा बी और यहाँ पे कामा लगा करके सी और इक्वल का चिन्ह लगाया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि c इज इक्वल टू 12 मैंने पहले से रख दिया, ए कामा बी सिर्फ वैल्यू देंगे और c इज इक्वल टू 12 वैल्यू में पहले से रखा हुआ है। चलिए इसमें कॉलन लगा देते हैं, कॉलन लगाने के बाद कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। और प्रिंट करवाते समय आपको ध्यान रखना है इसमें करवाना गया, चूंकि मैंने एड इसको नाम दिया है तो फिर सिंपल सा जोड़ ही देंगे, क्योंकि जैसा लिखेंगे वैसे ही काम तो करेंगे, पता चला लिख के एड बैठे कर रहे हैं वहाँ पे जोड़। हालांकि
होगा तो कुछ नहीं, जो प्रिंट करवाओगे वही होगा, लेकिन ठीक नहीं लगता है ना, जैसा नाम है वैसे काम करना चाहिए। तो चलिए इसको भी रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन कर गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, एड दो वैल्यू पास कर देते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू ऑटोमेटिक उसमें रखी है। तो देखिए दो पास की मैंने, और यहाँ पे देखिए 48 इसने निकाल दिया, 24 और 12 हुआ 36, और सी की वैल्यू 12 ऑलरेडी रखी थी तो 48 हो गया। अच्छा एक सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि इसमें अगर हम तीन वैल्यू पास कर दें, तीन वैल्यू भी आप पास कर दोगे तो जो आपने सी में डिफॉल्ट में सेट की है वो हट जाएगी, और जो आप पास करोगे वो जुड़ जाएगी। देख लीजिए है ना, 81 कर दिया, और सी जो आपने 12 माना था वो इसने हटा दिया। तो इस तरह से आपने दो एग्जांपल लिए, एक डिफॉल्ट मैंने पैरामीटर के साथ ले लिया। अच्छा अब क्या बचा, अब बचा है रिटर्न टाइप का फंक्शन, ये भी जरा देख लेते हैं। रिटर्न टाइप के फंक्शन में ये होता है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है लेकिन प्रिंट नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो कि स्टोर हो जाती है उसमें, जब आप उसको कॉल करोगे तब वो प्रिंट कर देगा। तो जैसे एक रिटर्न टाइप का फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो डिप कीवर्ड और रिटर्न कीवर्ड ये सब प्रयोग तो रहे हैं, ये सब कीवर्ड वही है जो मैंने आपको 25 कीवर्ड में रिजर्व करवाए थे। मैंने कहा था कि ये स्पेशल कीवर्ड होते हैं, इनको कभी आप वेरिएबल नहीं बनाते हो, तो वही थे, डिप होगा, अभी रिटर्न भी आ जाएगा। तो ये सबके यूज आपको देखने को मिल रहे होंगे 2500 कीवर्ड के, कुछ तो बता चुका हूँ, कुछ नहीं बताएं वो आगे कवर हो जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। रिटर्न का क्लिक, अब यहाँ पे रिटर्न हम करेंगे, स्पेलिंग गलत हो गई है, रिटर्न ठीक है। तो रिटर्न मैंने यहाँ पे लिखा, रिटर्न लिखने के बाद अब यहाँ पे एक मतलब इस जो क्यूब एक्स नाम से हमने इसका नाम दिया, क्यूब तो हमने इसका नाम दिया, उसके अंतर्गत हमने एक्स रखा। अब एक्स के साथ करना क्या है, तो ट्रिपल एक्स कर देते हैं, यानी कि क्यूब हमने लिखा है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, यानी कि तीन बार उस किसी भी संख्या का गुणा। तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करवा देते हैं, रन करवाने के बाद अब यहाँ पे हम इसको नाम से पुकारते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं और ये ऑटोमेटिक कर देगा। तो 7 मान लीजिए रख देते हैं, 343 आ जाएगा, 343, क्योंकि क्योंकि 7 × 7 49 × 7 343। तो देखिए रन करवा देते हैं, 343 आ चुका है। तो ये चीज़ें होती हैं कि डिफाइन में क्या होता है कि आप मतलब इसमें रिटर्न में क्या होता है कि वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जब आप इसको पुकारते हो तभी आ जाता है, ठीक है ना, बस उसको वैल्यू दे दो काम कर देगा आपका। तो इस तरह से ये काम करता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं लैम्डा, तो लैम्डा का क्या यूज होता है वो भी हमें आप देख लेते हैं। तो लैम्डा के लिए हम अपनी चार्ट इमेज खोल लेते हैं, क्योंकि उसमें पहले आपको दिखाते हैं। तो ये हमने खोल लिया यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। इसको आप फंक्शन से बिल्कुल डिनोट मत कीजिएगा, मतलब डिफाइन उससे मतलब नहीं है, ना रिटर्न से मतलब है, मतलब एक तरीके का फंक्शन है, इसको अलग से समझिएगा, बस ये फंक्शन है, इसलिए मैं इसको इसमें रख रहा हूँ, समझा रहा पढ़ा रहा हूँ। लैम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन जो होता है वो स्मॉल एनोनिमस की तरह चुपचाप तरीके से काम करता है। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एन इनवन नंबर एंड बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन में आपको जवाब दे देता है बस। लैम्डा जो है उसको हम फिल्टर करेंगे, मैपिंग करेंगे, रिड्यूस करेंगे। चलिए लैम्डा क्या होता है समझते हैं, तो इसका भी एक यूज होता है। तो चलिए कोडिंग पे करते हैं और वहीं पर अच्छे से समझ आता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्स नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लिखने के बाद यहाँ पे एक हम ऐसे मतलब वेरिएबल तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन मतलब ए बना लिया, ठीक ना, ए लिख दिया, ये मतलब माना है मैंने, इसको कंसीडर किया है कि ए जो है, देखिए ये मैंने बीच में समझिए ध्यान से, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, पहले मुझे एक बार लिख लेने दीजिए, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा, समझाने की गारंटी हमने ले रखी है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या, मैंने एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, मैंने लैम्डा लिखा, ठीक ना, लैम्डा फंक्शन है जो कि, और फिर मैंने कालन एक लगाया, कालन के इधर मैंने लिखा ए, जिसके साथ कुछ करना है, और फिर कालन के इधर मैंने राइट हैंड साइड में मैंने लिखा कि क्या करना है, तो ए प्लस 10 कर देना है, ठीक ना, यानी कि ए में 10 जोड़ देना, अब ए की वैल्यू जो हम देंगे उसमें 10 ये जोड़ देगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे वेरिएबल रखो, वेरिएबल रखने के बाद जो ए अपने माना है वो रख दो। अब हम यहाँ पे ए नहीं रखेंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, अब ए की जगह आप जो भी लेना चाहो, मान लीजिए 17 मैं ले लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ 17 आ गया, ठीक है, 7 + 10 = 17 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, तो लैम्डा, लैम्डा हो गया, ठीक है। और एक्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स लिखा, जिसके साथ कुछ करना है, और राइट हैंड साइड में ये लिखेंगे क्या करना है, तो x इंटू एक्स करना है, यानी कि x को x इंटू एक्स करना है, यानी कि स्क्वायर करना है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो। प्रिंट, अब प्रिंट में आप बताइए क्या होगा, बताइए कमेंट कीजिए। तो प्रिंट 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 प्रिंट, और यहाँ पे वेरिएबल,
आपको इधर रखना है, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत क्या रखना है, जो जिसके साथ ऑपरेशन आप करवा रहे हो, तो एक्स, अब एक्स तो हम रखेंगे नहीं, कोई वैल्यू उसके अंदर पास करो। मान लीजिए 8 रख देते हैं इस बार, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है 64, तो लियो 64 प्रिंट हो गया। तो यही है। अब अच्छा इसका और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी तीन चीज़ें, हाँ, लैम्डा विद फिल्टर, लैम्डा विद मैपिंग करेंगे, लैम्डा के साथ रिड्यूस फंक्शन का यूज करेंगे। खैर चलिए, अब देखते हैं किसके साथ फिल्टर करते हैं, फिल्टर फिल्टरिंग। तो इसके लिए हम L1 नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, L1 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक और यहाँ पे ले लेते हैं, 10 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, L2 नाम से एक लिस्ट नहीं बनाएंगे। L2 का मतलब मेरा ये है कि L1 में हम फिल्टर करवाएंगे और जो रिजल्ट आए वो L2 लिस्ट में प्रिंट कर दो। ये हमारा कहने का तात्पर्य है। तो समझिएगा, लिस्ट लिस्ट किया, ठीक है। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार ये ब्रैकेट लगाया, फिल्टर लगाया, चूंकि हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। आप कैसे फिल्टर करेंगे, आप वो वाला फिल्टर मत, मतलब इसे देखो लैम्डा समझ। अभी मुझे कोड लिखने दे दो, मैं आपको 100% समझा दूंगा, उसकी गारंटी पर छोड़ दो। एक्स और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया, और देखिए कालन के लेफ्ट हैंड साइड में हम वो लिखेंगे जिसके साथ हमें ऑपरेशन कराना है, राइट हैंड साइड में वो लिखेंगे जो ऑपरेशन चलाना है। समझ गए, इत तो बस याद कर लो। तो एक्स डिवाइडेड बाई टू, रुक जाओ, एक्स डिवाइडेड बाई टू इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी समझ आ जाए। और L1 और बंद कर दें ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद, और प्रिंट कर देते हैं L2 को, क्योंकि L2 में हमें ऑपरेशन चला करके रिजल्ट जो है L2 में प्रिंट करना है, तो L2 को प्रिंट करेंगे। जो आप समझो दिमाग से, ठंडे दिमाग से देखो, L1 में हमने कुछ यहाँ पे एलिमेंट दिए, सब लिस्ट दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने L1 में एक लिस्ट दी। अब इसमें मुझे फिल्टर कराना है, मैंने फिल्टर के लिए क्या किया, L2 नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंतर्गत मुझे रखना था। फिर मैंने बताया कि जो रिजल्ट आप हमें दो वो लिस्ट में दो, इसलिए मैंने इसको अलग से पहले से ही रिजल्ट लिस्ट में बता दिया। फिर उसके बाद मैंने फिल्टर फंक्शन का यूज किया, फिल्टर फंक्शन का यूज करने बाद लैम्डा लगाया, लैम्डा फंक्शन का यूज किया, फिर उसके बाद मैंने कालन लगाया, कालन लगाने के बाद इधर मैंने एक्स को लिखा जिसपे मुझे ऑपरेशन कराना है, और फिर राइट हैंड साइड में मैंने वो लिखा जिस पर मुझे ऑपरेशन कराना है। और फिर अच्छा, ये लिस्ट किसका मुझे ऑपरेशन कराना है, लिस्ट भी तो बताओ, मतलब कहाँ से उठा करके। तो बड़ा बड़ा मतलब यह तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया, जब बड़े बड़े डाटाबेस होते हैं तो उसमें आपको बताना भी तो पड़ेगा किसका मतलब उठा रहे हो, किस लिस्ट का आप फंक्शन मतलब ऑपरेशन करा रहे हो, तो ये चीज़ पहले से बतानी पड़ेगी। तो L1 से हम करवा रहे हैं, तो L1 हमने काम लगा कर बता दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन क्या कराया वो समझ लेते हैं। समझने के बाद यहाँ पे एक्स एक्स अच्छा एक्स का यहाँ पे मतलब ये है कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब एक्स है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, हमने फिल्ट्रेशन ये करवाया कि इसका एक्स जितने भी वैल्यू है, एक्स जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 2 का भाग जाए, अगर उनका 2 का भाग जाने के बाद रिमेनिंग यदि 0 बचे तो वो हमें प्रिंट कर दो, अगर रिमेनिंग 0 ना बचे तो वो प्रिंट ना करो। तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग 0 किसकी बचती है, इवन नंबर की बचती है, रिमेनिंग 0 किसकी नहीं बचती है, ऑड नंबर की नहीं बचती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 4 6 7 8 2 4 2 4 6 8 10 प्रिंट कर जाएंगे, बाकी सारे प्रिंट नहीं करेंगे। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो देख लीजिए 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपकी छोटी मोटी मैथ आपको पता ही होगी, इतनी बहुत बड़ा इसमें भौकाल नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे लैम्डा विद मैप के साथ, यानी कि मैपिंग करेंगे, यानी कि कुछ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो एक हम लिस्ट फिर बना लेते हैं L1 नाम की, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बन गई लिस्ट। लिस्ट बनाने के पश्चात यहाँ पे हम L2 नाम से एक बार लिस्ट बना लेते हैं जिसमें मुझे मैपिंग करके लाना है रिजल्ट को। तो लिस्ट लिस्ट और मैप, फिर क्या लैम्डा, और लिखने के बाद एक्स, और फिर हम क्या लगाएंगे कालन। देखो एक्स हमने इधर कालन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जिसमें मुझे ऑपरेशन करना है, और फिर राइट हैंड साइड में वो लिखेंगे क्या ऑपरेशन करना है। तो इसे सिंपल से समझ लो, बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ। तो x इंटू टू, मुझे x को जो है दोगुना करना है। अब x क्या है, यही एलिमेंट है जो L1 में रखे हुए हैं, 1 2 3 4, ये सब x ही हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं है। और तो अब क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, और कहाँ से मतलब कौन लिस्ट पे ऑपरेशन कराना है, तो L1 पे, ठीक है ना, ये भी तो बताना पड़ेगा कि इसे बस। तो एक एक यहाँ पे हटा दिया, ठीक ना, और अभी एक गड़बड़ है, तो ये चीज़ और लगा दो, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, प्रिंट कराते हैं, कहीं को प्रिंट कराना है, प्रिंट कराएंगे L2 को, प्रिंट
प्रिंट L2 रन कर देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 2468 इसने प्रिंट कर दिया, यानी कि दोगुना कर दिया, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 3, 2 × 6 = 4, 2 × 8 ठीक है, प्रिंट कर दिया, काम खत्म। नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट है रिड्यूस के साथ, हम देखेंगे रिड्यूस क्या होता है। ये देखिए लैम्डा भी रिड्यूस के साथ, तो इसके साथ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, सबके एग्जांपल देख लेते हैं, बस ये लास्ट है लैम्डा विद रिड्यूस, तो आप एक कमेंट पास कर देते हैं लैम्डा विद रिड्यूस, देखेंगे लैम्डा विद रिड्यूस, तो कमेंट पास करने का यही तरीका होता है। ये आपके प्रोग्राम में काउंट नहीं किया जाएगा, बस आप अपने तरफ से इसमें बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ये तरीका होता है पाइथन में कमेंट पास करने का, आई होप आपको बता होगा, बहुत पहले से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे L1 नाम से एक लिस्ट बना देते हैं, तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं रखेंगे, 4 ही रखेंगे, 1, 2, 3, 4, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा बवाल नहीं पालूंगा, क्योंकि फिर बाद में फ्रॉम फंक टूल्स इम्पोर्ट, अब आपका वीडियो का चल रहा है, ये चल कुछ नहीं रहा है, ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब इसका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी शांति से बैठे रहो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम लिखेंगे, सम नाम से वेरिएबल बनाया, सम नाम से वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया कि जैसा नाम रखो वैसे काम रखो, तो सम नाम से वेरिएबल बनाया तो इसको सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, आप इसके हिसाब से अपना वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिड्यूस लैम्डा और एक्स कामा वाई, देखिए कालन के इधर ये रखना है जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, और कालन के इधर ये रखना है राइट हैंड साइड में, ये रखना है कि क्या आपको एक्स कामा वाई हमने माना है, यानी कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेने दीजिए एक सेकंड, एक्स प्लस वाई और कामा L1, और यहाँ पे आई होप आप सब खत्म हो चुका है, हाँ, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सम को, तो सम को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या है, सिंपल सा देखिएगा, मैंने L1 नाम की एक लिस्ट बनाई 1, 2, 3, 4, फिर मैंने ये लाइन जो है फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी, फिर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मैंने सम का बनाया, क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमने सम का काम भी किया, यानी कि जोड़ने का काम भी किया, तो इसलिए मैंने जैसा नाम वैसा काम मैंने रख दिया है ना, तो ठीक रहता है। फिर आपको ये रिड्यूस लिखना ही पड़ेगा, लैम्डा लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे मेन चीज समझ लो, यहाँ पे कालन के इधर आपको वो रखना है जिस पे आपको ऑपरेशन करना है, यानी कि एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई वही है जैसे 1, 2, ठीक है ना, 3, 4, ये एक्स कामा वाई के उदाहरण होगा, ठीक है ना। अब इन पे ऑपरेशन क्या करना है, यानी कि 1, 2 पे क्या ऑपरेशन करना है, एक्स प्लस वाई कर दो इनको, देखिए तो 1, 2 को 1+2 कर दो, 3, 4 को 3+4 कर दो, और कौन सी लिस्ट पे ऑपरेशन चलाना है, L1 की लिस्ट पे ऑपरेशन का चलाना है, प्रिंट किसको करना है, सम को प्रिंट करना है, वेरिएबल को तो प्रिंट किया जाता है वेरिएबल में, इसी सम वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए, तो चलिए इसको रन करवा देते हैं, और ये मैंने रन करवाया और ये आंसर 10 आ चुका है, 2+1 = 3, 3+3 = 6, 6+4 = 10 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, और जितना रहना हो उस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको Web3 की डेवलपमेंट चाहिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करें जो भी आपको चीज़ इसमें वीडियो में पसंद आती हो।